दोस्तों आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों आज का ये जो ट्रेनिंग वीडियो है ये थोड़ा सा हटके है, ये एक्चुअली एक डैमेज हेयर ट्रीटमेंट पर है। ये बेसिकली एक ट्रीटमेंट है जिससे आप किसी भी तरह के डैमेज हेयर को रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों मैंने जो डैमेज हेयर को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, डैमेज लेवल 1, डैमेज लेवल 2, डैमेज लेवल 3। और ये ट्रीटमेंट बेसिकली आपके सभी डैमेज लेवल को रिपेयर करती है। डैमेज लेवल 1 हो जो आपका कम डैमेज है, और डैमेज लेवल 3 है जिसमें आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज है, ये उसी को भी रिपेयर करती है। ये ट्रीटमेंट बेसिकली मैंने कस्टमाइज किया, यानी अलग अलग ट्रीटमेंट को कस्टमाइज करके ये ट्रीटमेंट बनाई है। और दोस्तों इसका रिजल्ट आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये सीखना है या समझना है कि कैसे डैमेज हेयर को रिपेयर करना है तो इस वीडियो को एंड तक और ध्यान से ज़रूर देखिए। दोस्तों मैं अजय फ्रॉम इन्फिनिटी सलोन एजुकेशन आपका स्वागत करता हूँ आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में। बाकी दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और साथ में जो बेल आइकॉन रहती है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये ट्रेनिंग वीडियो। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे मॉडल के हेयर, आपको यहाँ देख सकते हो कि हमारे मॉडल के हेयर कितने डैमेज है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हर एक सेक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए हमारे बाल, ये देखिए मैं थोड़ा सा आपको क्लोजअप करके देखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बाल, ये बाल कितने डैमेज है ध्यान से देखिए। और इन्हें मैं थोड़ा सा खींच के भी आपको दिखाता हूँ कैसे हमारे मॉडल के बाल टूट रहे हैं। ये यहाँ पर देखिए कैसे मैंने बालों को यहाँ पर खींचा, और यहाँ पर देखिए कैसे मेरे बालों में, हाथों में बाल आ रहे हैं। और यह आज की हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं फर्स्ट हेयर वॉश से। और हेयर वॉश के लिए हमने जो शैम्पू यूज़ किया है वो वेला ब्रांड का फ्यूजन शैम्पू यूज़ किया। आप इसके बदले कोई और डैमेज हेयर को रिपेयर करने वाला शैम्पू भी यूज़ कर सकते हो। और हेयर वॉश के बाद हमारी एक्चुअल ट्रीटमेंट की शुरुआत होगी। दोस्तों आज के इस ट्रीटमेंट की शुरुआत हम करने वाले हैं वेलाप्लेक्स नंबर 1 के प्रोडक्ट से। आपको क्या करना है, वेलाप्लेक्स का नंबर 1 का जो प्रोडक्ट है वो 10 ml लेना है, और आपको नॉर्मल पानी लेना है, जैसे प्लेन वाटर, वो आपको लेना है 60 ml, और दोनों को अच्छी तरह मिक्स करना है। तो आपका टोटल प्रोडक्ट बन जाएगा 70 ml का। और ये प्रोडक्ट को मिक्स करने के लिए आप एप्लीकेटर बॉटल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपकी एप्लीकेटर बॉटल होगी। इस बॉटल की मदद से आपको एप्लीकेशन करने में थोड़ी सी आसानी होगी। अब ये देखिए हमारा ये प्रोडक्ट रेडी है, अब हम एप्लीकेशन की शुरुआत करेंगे। हम क्लाइंट के बालों को ये जो प्रोडक्ट है ये शैम्पू स्टेशन पर ही लगाएंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट यहाँ वहाँ गिरे ना या वेस्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए आपके बड़े बड़े, आपको क्या करना है, बड़े बड़े सेक्शन लेके ये प्रोडक्ट को बालों पर अच्छी तरह लगाना है, और फिर उसे इमल्सीफाई करना है। आप ये प्रोसेस चाहे तो क्लाइंट को चेयर पर लाकर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं जो ट्रीटमेंट है ये शैम्पू स्टेशन पर कर रहा हूँ। और आप यहाँ चाहो तो नीचे क्लीन फिल्म भी लगा सकते हो, ताकि आप बाउल भी रख सकते हो, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है जो अपने बालों पर लगाए और जो एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा है उस बाउल में या क्लीन फिल्म में जमा हो जाए, और उसे आप फिर से चाहो तो रीयूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखिए किस तरह से आपको प्रोडक्ट लगाना है और कैसे बालों पर इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह इमल्सीफाई करना है। ये प्रोडक्ट बेसिकली क्या करता है, आपके बालों के जो बॉन्ड्स है, हम जो ट्रीटमेंट करते हैं कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट, जिससे हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं। हमारे बाल डैमेज मतलब क्या, आपके बालों के जो बॉन्ड्स है जिसे हम कहते हैं सिस्टीन बॉन्ड या डाइसल्फर बॉन्ड, ये बॉन्ड्स डैमेज हो जाते हैं। और ये प्रोडक्ट जो है वेलाप्लेक्स नंबर 1 या ओलाप्लेक्स, ऐसे और कई सारे प्रोडक्ट है, ये क्या करता है, इन बॉन्ड्स को मजबूती देता है ताकि आपके बाल फिर से हेल्थी बन जाए। यानी ये जो वेलाप्लेक्स है ये एक्चुअली क्या है, बॉन्ड रिपेयर ट्रीटमेंट, यानी आपके डैमेज बॉन्ड्स को रिपेयर करना और आपके बालों को हेल्थी बनाना। ये ओलाप्लेक्स नंबर का, सॉरी ये ओलाप्लेक्स नंबर 1 प्रोडक्ट बालों पर लगाने के बाद पूरे बालों पर रूट से हल्का सा छोड़ के सारे बालों पर लगाना है, और इसे आपको बालों पर रखना है अप्रॉक्सीमेट 10 मिनट के लिए। अब देखिए हमारा एप्लीकेशन, दैट इज वेलाप्लेक्स नंबर 1 का स्टैंड ऑन ट्रीटमेंट का पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम 10 मिनट के लिए वेट करेंगे। और जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों का सोचना है कि आपको वेलाप्लेक्स नंबर 2 लगाना है ताकि आपकी प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम है वेलाप्लेक्स नंबर 2 का, कि ये प्रोडक्ट जो है वेलाप्लेक्स नंबर 2 ये क्या करता है, बेसिकली आपके क्यूटिकल को भी क्लोज कर देता है।
लेकिन यहाँ पर मुझे क्यूटिकल को क्लोज नहीं करना, इसलिए मैं सिर्फ प्लेन वाटर से बालों को रिंस करूँगा और वेलाप्लेक्स नंबर जो 2 का जो प्रोडक्ट है उसे अवॉइड करूँगा। यहाँ पर सिर्फ मैं प्लेन वाटर से रिंस करने वाला हूँ और रिंस होने के बाद ड्राई करके मैं आने वाला हूँ चेयर पर, क्लाइंट को चेयर पर लेके आने वाला हूँ और मैं आगे की प्रोसेस होगी मेरी सिस्टीन हेयर ट्रीटमेंट की। यहाँ पर देखिए मैं जो लक्सलिस का सिस्टीन का जो प्रोडक्ट है वो यूज़ किया है और ये प्रोडक्ट को मैं स्काल्प से हल्का सा छोड़ के सारे बालों को सेक्शन बाय सेक्शन लगाना, और ये जो प्रोडक्ट है मैं ऐसा पकड़िए 70-80% ड्राई हेयर पर लगाने वाला, यानी आपको बालों में थोड़ा सा मॉइस्चर रखना ये प्रोडक्ट लगाने के लिए। और यहाँ पर भी देखिए आपको छोटे छोटे सेक्शन लेने और प्रोडक्ट रूट से हल्का सा छोड़ के सारे बालों को लगाना है और उसे अच्छी तरह इमल्सीफाई भी करना है। बाकी प्रोडक्ट को मैं किस तरह से बालों पे लगा रहा हूँ उसे एक बार ध्यान से देखिए। आपको एक एवरेज बताऊँ, अगर आप क्लाइंट की लेंथ समझो मिड लेंथ के बाल हेयर है, अरे हेयर की लेंथ मीडियम लेवल के है, तो आपको अप्रॉक्सीमेट 30-40 ml प्रोडक्ट ही लेना है, आपको भर भर कर प्रोडक्ट नहीं लगाना। बेसिकली ये जो सिस्टीन ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट है ये क्या करता है, एडिशनली जो आपके बॉन्ड्स को रिपेयर किए थे उन बॉन्ड्स को और मजबूत बनाता है ताकि आपका डैमेज 100% ख़त्म हो जाए और साथ में ऊपर से एक शाइन भी ऐड कर देता है। और अगर मैं इसे सिस्टीन ट्रीटमेंट को अगर केराटिन के साथ कंपेयर करता हूँ तो इसका रिजल्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा है, लेकिन एक इसका ड्रॉबैक क्या है कि इससे आपके बाल केराटिन इतने स्ट्रेट नहीं होते कंपेरेटिवली। लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि बालों को रिपेयर भी करता है और इसके अंदर कोई आपको स्मेल नहीं मिलेगा जो आपको केराटिन में मिलता है, तो ये प्रोडक्ट मेरे हिसाब से प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी काफ़ी हद तक अच्छा है। यानी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हो या अगर ब्रेस्ट फीडिंग वाली लेडी हो तो वो केराटिन के बदले ये प्रोडक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। फिर भी एक्चुअली मैं प्रैक्टिकल कहूँ तो मैं एक्चुअली कोई भी प्रेग्नेंट लेडी हो या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी को केमिकल ट्रीटमेंट एक्चुअली अवॉइड ही करने बोलता हो, लेकिन फिर भी अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो केराटिन और सिस्टीन को तो मेरे हिसाब से सिस्टीन ज़्यादा सेफ है। अब यहाँ पर देखिए मेरा प्रोडक्ट का एप्लीकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम इन बालों को चाहो तो शावर कैप से कवर कर कर रख सकते हैं या ओपन भी रख सकते हैं, सिर्फ हमें याद रखना है प्रोडक्ट को बालों पर अराउंड 30 मिनट्स तक रखना है। थर्टी मिनट्स होने के बाद हम बालों को थोड़ा सा हल्का सा रिंस करेंगे, यानी हम 50% तक प्रोडक्ट बालों में से निकालेंगे और 50% प्रोडक्ट बालों में रखेंगे, यानी आपको थोड़े से ही बालों को रिंस करना है। और यहाँ पर याद रखिए आपको कोई शैम्पू कंडीशनर भी नहीं यूज़ करना, सिर्फ बालों को 50% तक रिंस करना है, यानी 50% तक बालों में से प्रोडक्ट निकालना है। और जैसे आपके रिंस हो जाते आपको बालों को 100% ड्राई करना है, याद रखिए 100% ड्राई करना है। और यहाँ ड्राई करने के लिए आपको मीडियम हीट यूज़ करनी है, आपको फुल हीट नहीं यूज़ करनी, बाकी ब्लो जो स्पीड आपका होगा वो फुल हो सकता है लेकिन जो हीट होगी वो होगी आपकी मीडियम ही। और हेयर ड्राई होने के बाद आपकी जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी यानी फाइनल प्रोसेस दैट इज़ आइनिंग। यहाँ पर आपको दोस्तों याद रखिए छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं और अच्छी तरह आइनिंग करनी है और आपकी आइनिंग की रिपीटेशन होगी अराउंड 5-6 times। और आपका जो आइनिंग का टेम्परेचर होगा वो आपके बालों के अकॉर्डिंग होगा, जैसे आपको पता ही होगा कि आपके बहुत ज़्यादा वीक बाल है तो आपको टेम्परेचर कम रखना है और उसके कंपेयर में कम वीक है ना थोड़े से हेल्थ डैमेज लेवल आपके, यानी हेल्थ को मैं कहता हूँ डैमेज लेवल, यानी जितना डैमेज लेवल 1, डैमेज लेवल 2, डैमेज लेवल 3 है अकॉर्डिंगली आपको आइनिंग का टेम्परेचर रखना है। यानी अगर आपका डैमेज लेवल 1 है तो आपको फुल टेम्परेचर रखना है और अगर आपका डैमेज लेवल 3 है तो आपको कम टेम्परेचर रखना है। और आइनिंग होने के बाद हमारी पूरी कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है, यानी डैमेज है रिपेयर की ट्रीटमेंट की ये कंप्लीट प्रोसेस रिपेयर हो जाती है। यानी ये जो ट्रीटमेंट है ये आपकी वेलाप्लेक्स और सिस्टीन ट्रीटमेंट का एक कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट है जो आपके बालों को अंदर से ही नहीं ऊपर से भी हेल्थी बनाती है और अंदर से भी हेल्थी बना देती है। और ये देखिए इस रिंस का फाइनल रिजल्ट, ये ट्रीटमेंट का फाइनल रिजल्ट देखिए, आपने पहले क्लाइंट के बिफोर के हेयर तो देखे होंगे और अभी ये फाइनल हेयर देखिए, ये है इनका फाइनल रिजल्ट।
अगर दोस्तों आपको यह रिजल्ट या ये ट्रीटमेंट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।